मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है आप लोग भी वो प्रॉब्लम फेस ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाना उचित समझा। तो इस टाइप के जो प्लांटर आप लेंगे तो उसका ड्रेनेज सिस्टम एक तो आप बीच में करेंगे ही, तो वीडियो को पूरा देखिए और मैंने कैसे कैसे पॉटिंग मिक्स बनाया है, गमले में कैसे छेद किया है, वो इस वीडियो में आज मैं दिखाने वाली हूँ। हम लोग नर्सरी से प्लांट तो ले आते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी कर देते हैं। आज की वीडियो में मैंने अपने जो नर्सरी से लाए हुए प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट किया है, कैसी मिट्टी बनाई है, वो सब कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रिपोर्टिंग कर लेते हैं और बिना कोई फंजीसाइड के मैं मिट्टी बनाती हूँ और अच्छे से प्लांट मेरे ग्रो होते हैं। तो वीडियो का अंत तक पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। ये है मिट्टी और मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट है, फंजीसाइड की जगह में मैंने राख का उपयोग किया है और थोड़ी सी सैंड है और मिट्टी तो है ही। तो ये हमारे मिट्टी हो गए और हो सके तो मिट्टी सूखी हुई हो अच्छी तरह से, तो आपको फंजीसाइड की भी जरूरत नहीं होगी। और कोकोपीट का उपयोग मैंने नहीं किया है। ये धान की भूसी मैं डाल रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट अंदाज से आपको डाल देना। ऐसे ही मिट्टी में मैंने सारे ही विंटर फ्लावरिंग प्लांट को लगाया है। थोड़ी सी और डाल देती हूँ, अगर बच गए तो और भी प्लांट में हमारे काम आ जाएंगे। एक प्लांट देखिए सीड से ग्रो हुए हैं, ये गार्डन नेस्टुडम, इसे भी मैं आज रिपोर्ट कर दूंगी क्योंकि ये देखिए इसका प्लांटर थोड़ा छोटा है, तो इसे भी मैं रिपोर्ट कर दूंगी। तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट को कैसे रिपोर्टिंग करना है, मेन तो हो गई ये मिट्टी। मिट्टी मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं। आपको इस टाइप की एक रॉड ले लेनी है, उसको गर्म कर लेना है इस टाइप से। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि पॉट्स में जो मिट्टी रहते हैं वो जमीन में सटे हुए ना रहे, एक हाइट ले ले, लेकिन ये ही प्रॉब्लम भी देता है। तो इस टाइप से इसके जो इस तरह से पैर बने हुए होते हैं चार, उसमें होल कर दीजिए आप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि पानी जम ना सके, सावधानी का विशेष ध्यान रखिए। इस तरह से देखिए पांचों प्लांटर में मैंने होल कर लिया है। आइए रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। अब लेना है आपको प्लांटर, इस टाइप से ये तो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए आप इस टाइप से। अब आपको लेना है प्लांट, आप देख पाएंगे इसकी मिट्टी, देखिए आप पत्थर के समान इसकी मिट्टी है। यदि आप इसी तरह इसको बिठा देंगे, और आप देख पाएंगे इसकी मिट्टी, देखिए आप ऊपर तो मिट्टी सही है लेकिन नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए आप खुद महसूस कीजिए कि इस टाइप से प्लांट, इस टाइप की अगर मिट्टी रहेंगे तो हमारे प्लांट की तो रूट के दम ही घुट जाएंगे। आप देखिए इसमें कितना ही पानी डाल दो, बिल्कुल चिटचिटी मिट्टी है। इस टाइप से अपने प्लांट को आप पहले बनाइए, इसकी चिटचिटी मिट्टी को हटाइए, तभी खुल के इसके रूट को ऑक्सीजन मिलेगा और फ्लावरिंग अच्छी करेगा। जितना हो सके आप मिट्टी को हल्का इतना कर दीजिए। ऐसा आप तभी करें जब आपके प्लांट की मिट्टी इस टाइप से महसूस हो तब। किसी किसी प्लांट में देखिएगा आप, राइस हस्क में लगी होती है तो उसके मिट्टी को हटाना जरूरी नहीं है,
इस टाइप से चिपचिपी मिट्टी को हटाना जरूरी है, इसलिए मैंने हटा दिया। इस टाइप से मैं सारे प्लांट की प्लांटिंग विंटर के करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप लोग। तो ये बाकी सारे जो प्लांट है, ये सारे प्लांट की भी मैं आज प्लांटिंग कर लेती हूँ। विंटर फ्लावरिंग प्लांट को मैं ऐसे ही लगाती हूँ, ऐसे ही अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ और अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं और मेरे प्लांट हेल्दी भी रहते हैं। तो चलिए मैं सब में वाटरिंग कर देती हूँ। और ये शाम का टाइम है इसलिए मैंने रिपोर्टिंग कर लिया है। अर्ली मॉर्निंग आप रिपोर्टिंग कीजिए या फिर इवनिंग में कीजिए तो आपके प्लांट को शॉक नहीं लगेगा और वो काफ़ी हेल्दी रूप से ग्रो होंगे। इस तरह देखिए मैंने सारे प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है और खूबसूरती से ये फ्लावरिंग कर रहा है और अच्छे से चल रहे हैं। देखिए तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।